हेलो जैन बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर की नेक्स्ट बुक के बारे में। इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ये किताब का नाम है ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। ये फोर्थ सेमेस्टर में है आईटी एंड सीएससी का। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के नाम से पता ही चल गया होगा कि इसमें क्या है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग है, कोई चीज़ का सेल करना, बाई करना, जैसे आपका फ्लिपकार्ट देता है, अमेजोन देता है, ये आपका डिजिटल मार्केटिंग में आता है। ठीक है, इस किताब के क्या है पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए हमें देखते हैं इसमें कितने यूनिट को हमें पढ़ना है। तो इसमें टोटल आपके पास 7 यूनिट है, 7 यूनिट को पढ़ना है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, दूसरा है ई कॉमर्स पेमेंट, तीसरा है डिजिटल मार्केटिंग प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, चौथा है सर्च इंजन ऑर्गेनाइजेशन, पाँचवा है गूगल एडवर्ड्स, छठवा है कह रहे हैं गूगल एनालिटिक्स, अगला है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये आपको 7 यूनिट पढ़ना है, बहुत ही अच्छे यूनिट हैं। इन्हें आपको आसानी से पढ़ना है, समझना है। वैसे भी आपको मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के नाम से ही पता चल गया होगा कितना सरल कितना ईजी आपका किताब है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का पीडीएफ है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप लोग रख लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का दे ही दिए, कम्युनिकेशन स्किल का दे ही दिए, बचा DBMS का है। DBMS का किताब सभी मेरे पास नहीं आई क्योंकि मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नई पैटर्न की चाहिए। तो वो जैसे ही आती है मैं आपको DBMS का भी क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करा ही दिया है, तो जैसा टाइम टेबल है उस हिसाब से क्लासेस चलेंगी अब। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में क्लास को आपको लेकर के।